इस वक्त हम हैं टाइम्स स्क्वायर पे और आपको बता दें कि यहाँ पर वेलकम साउथ अफ्रीका कह सकते हैं क्योंकि टाइम्स स्क्वायर पर टीम यहाँ पर आ रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लुंगी एंगिडी जो है फोटोग्राफ ले रहे हैं, मार्को यंसर आपको देख सकते हैं और यहाँ देखिए आप हेनरिक क्लासन जिनको आपने याद रखा होगा कि आईपीएल में उन्होंने क्या धमाल मचाया था वो यहाँ पर है। और साथ ही साथ बाकी सभी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जो है वो इस टाइम्स स्क्वायर के मजे ले रहे हैं और हम भी यहाँ पर मजे ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इस विजिट को बहुत ही यादगार बना दिया है। साउथ अफ्रीकन टीम के प्लेयर हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए कैसे फैंस बनकर यहाँ पर फोटोग्राफ खींच रहे हैं। ये लुंगी एंगिडी और ये सब आदि खिलाड़ी यहाँ पर फोटोग्राफ खींच रहे हैं और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मोमेंट है यहाँ पर क्योंकि फिलहाल पूरी साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो यहाँ पर टाइम स्क्वायर पर, क्योंकि आप सोचिए कि पूरी साउथ अफ्रीकन टीम इतनी भीड़ में यहाँ पर आराम से चिल कर रही है, एंजॉय कर रही है, कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा है। यही खूबसूरती है यहाँ पर। आप सोचिए कि काश यहाँ पर इंडियन टीम भी आए, इंडियन टीम में रोहित और विराट भी ऐसे ही आए और आगे जाए, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है, लेकिन क्या वो करेंगे? नहीं, क्योंकि वो रहना नहीं चाहते थे यहाँ पर न्यूयॉर्क में, इसीलिए इंडियन टीम जो है लॉन्ग आइलैंड में जहाँ पर उनके मैचेस हैं उसी के पास वहाँ पर रह रहे हैं ताकि उन्हें आना जाना अक्सर ना पड़े। लेकिन हमारी बस उम्मीद यही है कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन शायद पाकिस्तान मैच के बाद जब थोड़े से हल्के मैचेस होंगे यूएस और कनाडा के साथ, तब शायद इंडियन टीम के प्लेयर्स भी यहाँ पर आए और इस पूरे आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर वेन्यू को देखें।